वो किसान वो है जो किसानी करे, चाहे वो सैनी समाज से है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो जाट समाज से, चाहे वो राजपूत समाज से, चाहे वो गुजर समाज से है, या किसी और बिरादरी से। तो किसानों ने 6 महीने बैठ के और इस सरकार को, दिल्ली के बॉर्डरों को घेरा, और जहां जहां किसानों का कोई भी ऐसा मामला हुआ वहां सरकार को झुकाने पे मजबूर कर दिया। तो ये जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। अब सरकार को फैसला करना भी किस तरीके से बैठक करके और जल्द से जल्द उठाए, नहीं तो बंगाल गया यूपी जाएगी, पंजाब हरियाणा जाएगा, फिर आगे दिल्ली का राज जाएगा। भाई साहब किसानों का मैं थोड़ा सा करोगे? बिल्कुल, 6 महीने से ज्यादा का लगभग समय हो चुका है, बहुत ज्यादा है ना। और अभी भी जो पहले बंगाल चुनाव था उसके बाद ये लग रहा था शायद जो है सरकार है मांग मान ले, लेकिन अभी के जो हालात हैं, अगर हम इशार की बात करें वहाँ भी 307 लगी थी फिर हटाई गई, टोहाना की अगर बात करें वहाँ भी जो किसान नेता थे वो गिरफ्तार किए गए फिर छोड़ दिए गए, और काफी लंबा समय मान सकते हैं हम 6 महीने से ज्यादा काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन जो सरकार है वो मानते हुए दिखाई नहीं दे रही कि इन कानूनों को वापस लेगी, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी ये प्रतिक्रिया कि जल्द ही फैसला होने वाला है जी, क्योंकि जो किसान, जिसको किसान बोलते हैं ना जी, वो कोई एक कौम नहीं है। बिल्कुल, वो किसान वो है जो किसानी करे, बिल्कुल, चाहे वो सैनी समाज से है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो जाट समाज से है, चाहे वो राजपूत समाज से, चाहे वो गुजर समाज से है, या किसी और बिरादरी से है। 36 बिरादरी किसानी से जुड़ी हुई है, या तो खेत जोतने वाला है या खेत में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन करने वाला है, उन सब के ऊपर ये बहुत बड़ा एक इशू है जो कि पूरे देश में इसको लोग सीरियस नहीं मान रहे। कौन होते जब कोई फोड़ा या फुंसी होती है तो ऊपर से वो दिखती है ठीक है, लेकिन नीचे बड़ा खतरनाक रूप धारण करके और शरीर में पूरे में अंग काटना भी पड़ सकता है। तो इसलिए सरकार को ये फोड़ा या फुंसी बन चुकी है। अब मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो किसानों ने 6 महीने बैठ के जी, और इस सरकार को, दिल्ली के बॉर्डरों को घेरा, और जहां जहां किसानों का कोई भी ऐसा मामला हुआ वहां सरकार को झुकाने पे मजबूर कर दिया, तो ये जीत तो सुनिश्चित हो चुकी है। अब ये सरकार अगर लठ मारती है या ये कानून वापस नहीं लेती, तब भी पूरे देश को और विश्व को ये पता चल चुका कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन नॉर्थ इंडिया में राजधानी के चारों तरफ लड़ा जा चुका है। तो किसान तो जीत चुके हैं जी। अब सरकार को फैसला करना भी किस तरीके से बैठक करके और जल्द से जल्द उठाए, नहीं तो बंगाल गया यूपी जाएगी, पंजाब हरियाणा जाएगा, फिर आगे दिल्ली का राज जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, आपको अपना इतना कीमती समय में दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल पे जितने दर्शक मुझे देखेंगे और देख रहे हैं सबको धन्यवाद और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, आज तो इतनी देर मेरे साथ है, कल कोई बहुत क्यूट सी कोई हीरोइन या कोई ऐसा होगा, या फिर कोई और बढ़िया तरीके से उससे मिला होगा, या फिर किसानों के कोई बड़ी आवाज से मिलाएगा। आप सब जरूर देखते रहिए, जय जवान, जय किसान, जय भारत। बिल्कुल, तो ये था हमारे साथ देव कुमार देवा जी, हमने इनसे बातचीत की। तो अगर आपको इनके अफेयर्स के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो को जरूर देखें, और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।